नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकब्रेन यूट्यूब चैनल पर। नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का जो नेक्स्ट मैच खेला जाएगा उसके बारे में हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे किस कंडीशन में कौन सा प्लेयर अच्छा कर सकता है। साथ ही साथ लखनऊ की पिच पे मैच है, लास्ट दो ऑलरेडी मैचेस हो चुके हैं, उनमें क्या हुआ है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बेस पे हम अपनी टीम में ट्राई करेंगे कि भाई स्पिनर्स को ज़्यादा रखना है, पेसर्स को ज़्यादा रखना है या बैटिंग सरफेस है बैट्समैन को ज़्यादा रखना है, सब कुछ हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। नीदरलैंड अपना लास्ट मैच साउथ अफ्रीका को हरा के आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनके पास होगा, और श्रीलंका अपने पिछले तीनों मैचेस हार के आ रही है तो ओवरऑल एक टक्कर का मैच आपको देखने को मिलेगा जिसके बारे में हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में जाके आप लाइक भी कर सकते हैं। स्मॉली के साथ साथ ग्रैंडली की टीम्स भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे मैच के बारे में। उसके पहले मैं बता दूं, जो भी मेरे दोस्त अभी तक मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। क्या फ़ायदा भैया टेलीग्राम ज्वाइन करने का? फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, टॉस के अकॉर्डिंग कैप्टन वाइस कैप्टन सब कुछ मिलते हैं आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से कर लो, या कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट इस तरीके का आपको पिन मिलेगा उस पर टैप करके भी आ सकते हैं। बाकी WBBL के भी काफ़ी सारे मैचेस मैं कवर कर रहा हूँ, अगर आप वो भी खेलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसका वीडियो भी आपको देखने को मिलता है और टेलीग्राम पर उसकी टीम भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए सीधा हम दोस्तों पिच रिपोर्ट से शुरुआत करें। वेन्यू देखें, लखनऊ के ग्राउंड में एक बार फिर से मैच है और यहाँ पिछले दो मैचेस में ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं रहा, ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं हुआ है। पिच, अगर हम पिच की बात करें तो न्यूट्रल टाइप की पिच है और सीमर्स और स्पिनर्स दोनों ने अच्छा किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमर्स ने विकेट्स निकाले हैं, स्पिनर्स ने। पिछले दो मैचेस भी हम देखेंगे, ओवरऑल बॉलिंग के लिए थोड़ी ज़्यादा मदद है, बहुत बड़ा स्कोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखें 250 के आसपास है और मेरे अकॉर्डिंग लगभग इतना ही जाएगा, लगभग इतना जाएगा। नीदरलैंड हो सकता है थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस करे, श्रीलंका की बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग है, वो आराम से 250 से 280 तक जा सकते हैं। नीदरलैंड 220 से 250 तक नीदरलैंड भी कर सकता है। चलिए यहाँ पे दोस्तों लास्ट टू मैचेस देख लेते हैं इसी वेन्यू के ऊपर। लास्ट मैच श्रीलंका ने खेला हुआ था, 209 रन केवल बनाए हुए, ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से चेस कर लिया, आसानी से तो नहीं बोलेंगे भाई, 5 विकेट इनके भी गिर गए। इसके अलावा 7 विकेट पेसर्स, 6 विकेट स्पिनर। उसके पहले साउथ अफ्रीका ने 311 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने उसे चेज नहीं कर पाई थी। लेकिन इस वाले मैच में अगर आप देखें, हाई स्कोर तो ज़रूर हुआ था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी गलतियाँ की थी। अगर आप मैच देखें तो 6 से 7 कैचेस ड्रॉप किए थे जिसके वजह से यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने काफ़ी बढ़िया स्कोर कर दिया था। तो आज के मैच में मैंने आपको बता दिया कैसा क्या हो सकता है, पेसर्स और स्पिनर्स दोनों आपकी टीम में रहना चाहिए। हेड टू हेड की बात करें, 5 के 5 मैच श्रीलंका ने जीते हुए हैं, श्रीलंका स्ट्रॉन्ग टीम है, नो डाउट। पिछले 3 मैच श्रीलंका हार गई है क्योंकि काफ़ी बढ़िया टीमों से उन्होंने मैच खेले। नीदरलैंड ने भी साउथ अफ्रीका से मैच खेला था जो कि एक अच्छी टीम थी, लेकिन नीदरलैंड ने काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइट किया और उस मैच के अंदर विन किया। आज के मैच में अगर हम चांसेस की बात करें, थोड़े से श्रीलंका के ज़्यादा चांसेस हैं, अपसेट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, थोड़े कमी देखने को मिलते। तो आज अगर हम फेवरेट्स की बात करें या थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम की बात करें तो श्रीलंका थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे दोस्तों बात करें नीदरलैंड, इसकी पॉसिबल 11 ये है, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट मैच इन्होंने विन किया है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, आप सेम प्लेयर्स को ही खिलाना चाहेंगे जिन्होंने लास्ट मैच में आपको विन करके दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी प्लेयर्स से सीधा शुरुआत में करूंगा। मैक्स ऑड आउट की बात करें, 35 का एवरेज है, रीसेंट फॉर्म खराब है, रीसेंट फॉर्म बहुत ख़राब है यार। आपका जितना एवरेज है ना, आपने पूरे 5 से 6 मैचेस में उतने रन्स भी नहीं बनाए, मतलब 35 रन तो एक भी मैच के अंदर नहीं बनाए, फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैक्स ऑड आउट के साथ मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। प्लेयर अच्छे हैं लेकिन रीसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब है, और सामने वाली टीम के पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बोलर्स नहीं है। श्रीलंका के पास भी ठीक ठाक बॉलिंग है, उतनी अच्छी बॉलिंग अभी तक उन्होंने नहीं की है लेकिन बढ़िया बॉलर है, मधुशंका अच्छे बॉलर उनके पास हैं, लहिरू कुमारा भी आए हैं लास्ट मैच के अंदर तो पिटाई हुई है, आज अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा तीक्ष्णा भी उनके पास हैं, वेला, तो ठीक ठाक बॉलिंग वहाँ पर हमें दिख रही है। नेक्स्ट बात करें विक्रमजीत सिंह, 31 का एवरेज इनका है, 7 विकेट्स निकाले हुए हैं, रीसेंट फॉर्म ठीक है, वर्ल्ड कप के 2 मैचेस तो ठीक रहे थे, लास्ट मैच में फेल हुए और लास्ट मैच में बॉलिंग भी नहीं मिली है। आज के मैच में उम्मीद कर रहा हूँ कुछ ओवर्स मिल सकते हैं क्योंकि स्पिनर्स को भी ठीक ठाक तरीके से असिस्टेंस मिलने वाला है। लास्ट मैच अगर आप देखें, साउथ अफ्रीका से मैच था तो वहाँ पे आपको एक 250 का स्कोर डिफेंड करना था, इसलिए इनको ओवर्स नहीं मिले क्योंकि एक आध ओवर अगर बड़े रन्स का चला जाता तो दिक्कत होती। आज के मैच में लग रहा है विक्रमजीत सिंह के कुछ ओवर्स भी, बैटिंग से भी थोड़ा तो ठीक करेंगे, बैटिंग सेक्शन से जाना है रख सकते हो। कॉलिन एकरमैन की बात करें, 10 मैचेस 7 विकेट 34 का एवरेज, कमाल के प्लेयर हैं। पिछले 3 मैचेस आप देख लो, हर मैच में आपको पॉइंट्स तो डेफिनेटली निकाल के दे ही रहे, तो टीम में जरूर रखो। कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट करना चाह रहे हो तो ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें लीडे के बारे में, 27 का एवरेज इनका है, 31 विकेट्स निकाले हैं, रीसेंट फॉर्म आप देख लो,
इनकी टीम के बेस्ट प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप के पहले भी लाजवाब टूर्नामेंट था, मतलब लाजवाब फॉर्म था, और वर्ल्ड कप में आने के बाद भी आप देख सकते हो कमाल का फॉर्म इनका चल रहा है। फॉर्म भी बहुत अच्छा है, प्लेयर भी अच्छे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से मौका है। लास्ट मैच में बैटिंग भी फेल हो गई है, तो आज के मैच में कैप्टन की सबसे बेहतर चॉइस बन रहे हैं। लीडे बिल्कुल टीम के अंदर रख सकते हो और कैप्टन भी कर सकते हो, नैंडी की टीम में भी आप कैप्टन कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि भाई स्ट्रॉन्ग टीम से मैं कैप्टन करूँ, स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं, आपको प्लेयर देखना है कि कौन सा प्लेयर उस टीम से बेहतर करता है। अगर आप दो टीम में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक वीक टीम है एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन जो वीक टीम है उसमें ऐसा प्लेयर आपको दिख रहा है जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करता है बैटिंग और बॉलिंग से, तो उनको कैप्टन करना ज़्यादा अच्छा है। तो लीडे कैप्टन की बेस्ट चॉइस है। एंजल ब्रेस्ट के बारे में बात करें, रीसेंट फॉर्म थोड़ा ख़राब है, एवरेज ठीक है लेकिन फिलहाल तो नहीं रख रहे हैं। नेदा मनरू के बारे में बात नहीं करेंगे, भाई ख़राब किया तो नहीं रखेंगे। स्कॉट एडवर्ड्स की बात करें, 41 का एवरेज, कमाल का प्लेयर, टीम का कैप्टन भी है। लास्ट मैच और मैन ऑफ द मैच भी इन्हीं को मिला है लास्ट मैच में, जहां तक है क्योंकि बहुत बेहतर है, उन्होंने बैटिंग की है लास्ट में जाके। तो एडवर्ड्स आज के मैच में टीम में रहेंगे। फर्स्ट बैट में थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देना, चेजिंग में श्रीलंका हालांकि विकेट्स को गिरा लेगी, तो चेजिंग में भी अगर जाना है तो रख सकते हो, फर्स्ट बैट में थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देना। वैन वीक की बात करें, 37 विकेट निकाले हैं 27 मैचेस में, लास्ट मैच में भी कमबैक कर लिया है। लास्ट मैच में मैंने आपसे बोला था कमाल का बॉलर है भाई, बहुत बढ़िया बॉलर है, और प्लस पॉइंट के थोड़ी बैटिंग भी कर सकते हैं। तो आज के मैच में बैटिंग बॉलिंग फिर से रहेंगी, तो वैन वीक दोनों ही कंडीशन में हमारी टीम के अंदर रहेंगे। मर्व की बात करें, 19 मैचेस 23 विकेट 16 का एवरेज, लास्ट मैच में बहुत कमाल की परफॉर्मेंस इनकी आई है। अगर फर्स्ट बॉल आ रही है तो मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंग ठीक है बॉलिंग, लेकिन श्रीलंका यार स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी नहीं जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, तो मर्व को रखना उतना बेहतर चॉइस मुझे नहीं लग रही है। और बैटिंग, अगर बैटिंग का आप सोचें तो बैटिंग ज़रूर थोड़ी सी बहुत करके दे सकते हैं, फर्स्ट बॉल आ रही है सिर्फ इसलिए मैं रख रहा हूँ, अदरवाइज नहीं रखूँगा। आर्यन दत्त की बात करें, 28 मैचेस 23 विकेट 8 का एवरेज, रीसेंट फॉर्म ठीक है, लास्ट मैच में विकेटलेस रहे हैं, उसके पहले एक एक दो दो विकेट्स निकाले हुए हैं। इनको टीम में रखा जा सकता है फर्स्ट बॉल के अंदर, क्यों रखा जा सकता है, ज़्यादातर डेथ ओवर्स मिलते हैं, डेथ ओवर्स करते हैं स्पिनर ज़रूर है, लेकिन मैंने देखा है कई बार इनको डेथ भी मिलते हैं और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। लास्ट मैच देखो 23 रन बना दिए केवल 9 बॉल के अंदर, तो आर्यन दत्त डेफिनेटली टीम में रहेंगे अगर फर्स्ट बॉल आ रही है तो। नेक्स्ट बात करें मिकेरन, 16 मैचेस 20 विकेट, वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने भी बढ़िया किया है, लगातार विकेट्स निकाले हैं, और चांस है कि कुछ ओवर्स, एक दो ओवर्स इनको भी डेथ में मिल जाए। डेथ के बॉलर्स मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं आर्यन दत्ता ज़्यादातर करते हैं डेथ में, मिकेरन को एक आध ओवर, और लीडे ये जो दो से तीन बॉलर्स हैं ये ज़्यादातर यहाँ से डेथ आपको डालते हुए नजर आते हैं। तो मिकेरन का मैं फर्स्ट बॉल के अंदर आप रख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट बॉल के अंदर चांसेस हैं, जैसी पिच है श्रीलंका भी ऑल आउट हो जाएगी, श्रीलंका के भी ऑल आउट होने के चांसेस रहेंगे, तो वैसी कंडीशन में आप नीदरलैंड के बॉलर्स को भी रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं श्रीलंका की पॉसिबल 11, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, कोई भी चेंज हो सकता है चेंजेस कर दें, क्योंकि पिछले तीन मैचेस में आप हारे हुए तो फोर्सफुली एक आध चेंज हो सकता है टीम कर दे। शुरुआत करेंगे प्रथम निशंका के साथ, 37 का एवरेज है, रीसेंट फॉर्म बेहतर है, पिछले दो मैचेस में अच्छा किया, उसके पहले थोड़ा रीसेंट फॉर्म खराब था। आज के मैच में टीम के अंदर हम रख रहे हैं, टीम के अंदर रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ, लास्ट दो मैचेस थोड़े ठीक ठाक रहे तो आज हल्की सी लो परफॉर्मेंस ज़रूर आ सकती है, लेकिन बैटिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, प्रथम निशंका के साथ जाना थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। कुशल परेरा की बात करें, 30 का एवरेज, रीसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब था, लास्ट मैच में कमबैक कर दिया है, आज के मैच में क्या बहुत ज़्यादा उम्मीद है, नहीं है, फिर से नहीं है भाई, सिर्फ एक मैच में आपने अच्छा किया है, उसके पहले आपका फॉर्म बिल्कुल नहीं चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि नीदरलैंड के पास बॉलिंग नहीं है, नीदरलैंड के पास भी काफ़ी बढ़िया बॉलिंग है, तो पहला विकेट तो जल्दी गिर सकता है और कुशल परेरा हो सकता है जल्दी विकेट आज दे दें। कुशल मैंडिस की बात करें, 33 का एवरेज, रीसेंट फॉर्म आप देख लो, बहुत ही कमाल का रीसेंट फॉर्म रहा है, वर्ल्ड कप में भी दो मैचेस में कमाल किया था, तीसरे मैच में जरूर फेल हो गए, आज के मैच में फिर से हम अच्छी उम्मीद कर रहे हैं, लास्ट मैच खराब भी हो गए। वाइस कैप्टन की बढ़िया चॉइस है, वाइस कैप्टन आप कर सकते हो मैंडिस को। समर विक्रमा की बात करें, 34 का एवरेज, रीसेंट फॉर्म आप देख लो, ज़्यादातर आपको एवरेज पॉइंट्स दिला देते हैं, कई बार मैचेस ख़राब भी हो जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको दिलाते हैं। समर विक्रमा आज के मैच में मेरी टीम के अंदर रहेंगे, मैंने कई बार देखा एक मैच अगर ख़राब होता है तो अगले मैच में और संभल के बैटिंग करते हैं और बढ़िया बैटिंग कर जाते हैं। और प्लस पॉइंट क्या है, स्पिनर्स को मदद तो है ही पिच पे, लेकिन ये स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। लास्ट मैच में बेमतलब का शॉट खेल के जैम्पा को विकेट दे गए, तो आज के मैच में थोड़ा समझदारी से बैटिंग करके बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, फर्स्ट बैट के अंदर टीम में रहेंगे। असलंका की बात करें, 40 का एवरेज, बॉलिंग टीम दे नहीं रही है, और अगर मैंडिस शनाका अगर कैप्टन होते तो हम उम्मीद करते कि थोड़ी बॉलिंग मिल जाएगी, स्पिनर्स को सपोर्ट है, मैंडिस अब टीम के कैप्टन है तो क्या बॉलिंग मिलेगी कहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बाकी बैटिंग से आप बात करें, 40 का एवरेज है, सबसे भरोसेमंद बैट्समैन अगर इनकी टीम के अंदर कोई है तो असलंका है, अगर फर्स्ट बैट आ रही है श्रीलंका की तो असलंका के साथ आप जा सकते हैं।
अदरवाइज पीछे बैटिंग आ रही है तो हो सकता है ऊपर वाले प्लेयर्स ही ज़्यादा बेहतर कर जाएं, उनको ज़्यादा मौका ना मिले, फर्स्ट बैट में हम रखेंगे। धनंजय डी सिल्वा की बात करें, प्लेयर बहुत बेहतरीन है, 26 का एवरेज, 44 विकेट निकाले और रीसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बहुत ही ख़राब चल रहा है। और एक बार फिर से मैं बोलूँगा, शनाका नहीं है कैप्टन की, उनको ज़्यादा मौका मिले। लास्ट मैच में भी हमने देखा थोड़े से कम ही ओवर्स इनको डालने को मिले हैं, और आज के मैच में हो सकता है कमबैक कर जाए, तो ग्रैंड लीग में तो ट्राई करना, स्मॉल लीग में फिलहाल मैं टीम में जगह नहीं बना पा रहा हूँ। करुणा रत्ने की बात करें, 24 मैचेस 24 विकेट, शनाका का रिप्लेसमेंट और अचानक से टीम में मौका मिल रहा है तो शुरुआत में परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए टीम में नहीं रख रहे हैं, ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना। वेला लागे की बात करें, 18 मैचेस 21 विकेट, लास्ट मैच में एक विकेट, उसके पहले कोई नहीं, उसके पहले एक, और लगातार फॉर्म थोड़ा ख़राब ही चल रहा है, डाउन चल रहा है। आज के मैच में थोड़े से चांसेस बढ़िया लग रहे हैं, आज के मैच में स्पिनर्स पे जो नीदरलैंड्स वो भी फंसती हुई नज़र आती है, जैम्पा नीदरलैंड ने भी स्पिनर्स पे काफ़ी सारे विकेट्स खोए। लास्ट मैच में मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा, शायद शमशी और महाराज ने विकेट्स इनकी टीम के निकाले थे, शमशी तो नहीं खेल रहे थे, कॉर्ट्सी को मौका मिला था, फास्ट बॉलर थे उस पिच के अकॉर्डिंग, महाराज ने भी विकेट्स निकाले थे उस पिच के ऊपर। तो वेला लागे के चांसेस आज के मैच में ठीक ठाक बन रहे हैं। न्यूजीलैंड वाला जो नीदरलैंड से मैच था, वहाँ पर सैंडर ने भी 5 विकेट निकाले। नेक्स्ट बात करें तीक्ष्ण आएंगे टीम के अंदर, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। आज के मैच में बात करें अपोनेंट के जो बॉलर्स हैं, अपोनेंट के जो प्लेयर्स हैं, उनको फंसा सकते हैं, डेफिनेटली फंसा सकते हैं, तो तीक्ष्णा को टीम में हम रख रहे हैं। मधुशंका रीसेंट फॉर्म बहुत लाजवाब इनका चल रहा है और काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, तो मधुशंका हमारी टीम के अंदर है अगर फर्स्ट बॉल आ रही है। बॉलिंग सेक्शन से आज ज़्यादा प्लेयर्स आपको रखना है, बॉलिंग सेक्शन से रखना है या ऑलराउंडर सेक्शन से? बैटिंग सेक्शन से थोड़े कम बैट्समैन रखो, विकेट कीपिंग में भी बढ़िया ऑप्शन है, विकेट कीपिंग सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन से आप ज़्यादा प्लेयर्स को ट्राई करें। लहिरू कुमारा बढ़िया प्लेयर, रीसेंट फॉर्म थोड़ा सा ख़राब है, लंका प्रीमियर लीग में ज़रूर अच्छा किया था, लास्ट थोड़ा कमबैक वाला मैच था और ऑस्ट्रेलिया से मैच था, पीछे बॉलिंग आई थी, ज़्यादा बड़ा टारगेट था नहीं, तो पिटाई हुई है। आज के मैच में फर्स्ट बॉल आ रही है, लहिरू कुमार एक डिफरेंट चॉइस बनेंगे। बाकी इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा मौका, और पथिराना को शायद टीम थोड़ा सा सोचे, लेकिन लहिरू कुमार को सिर्फ एक ही मैच खिलाया है, तो यार एक मैच से आप बैठा देंगे तो ज़्यादा वो नहीं निकलेगा। बाकी बात करें स्मॉलिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन लीडे और मैंडिस, स्मॉलिंग में दोनों में से किसी को रखो, मैं लीडे को ही रखने वाला हूँ दोनों कंडीशन के अंदर, और मैंडिस को वाइस कैप्टन आप कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में करना है, वैन भी एक अच्छी चॉइस है, एकरमैन और समर विक्रमा, ये दो तीन प्लेयर्स हैं, ये लास्ट मैच में भी अच्छा किया है, अकरमैन तो लगभग हर मैच में ठीक कर रहा है, समर विक्रमा का लास्ट फेल है, वैन बीक भी लास्ट मैच में अच्छा करके आ रहा है, तो ये ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की डिफरेंट चॉइस है। बाकी जीएल में हमें फिक्स प्लेयर्स कौन कौन से रखना है, एडवर्ड्स के साथ जा सकते हो, कुशल मैंडिस, यहाँ से निशंका, लीडे, अकरमैन, वैन बीक और मधुशंका, ये जो 6 से 7 प्लेयर्स दिख रहे हैं ये आप मैक्सिमम टीम के अंदर रखें, जितना भी कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर रहे हो या जितनी भी टीम्स के साथ आप ग्रैंड लीग में जा रहे हो। बाकी डिफरेंट किसे ट्राई करना चाहिए, समर विक्रमा को रख सकते हो, चरित असलंका, लहिरू कुमारा, वेला लागे और आर्यन दत्त, ये जो 5 प्लेयर्स हैं इनके साथ मिक्स करके आप बेहतरीन टीम इस मैच के अंदर बना सकते हो। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें लो सिलेक्शन बिग रिवॉर्ड प्लेयर, तो लो सिलेक्शन में आपको समर विक्रमा को आपकी टीम में रख सकते हो, लो ये वाला जो सेक्शन है ना ये मैंने स्मॉल लीग के लिए दिया है कि स्मॉल लीग में आप क्या डिफरेंट कर सकते हो, समर विक्रमा को रख सकते हो, आज थोड़ा सा मुझे इन पर ज़्यादा भरोसा हो रहा है, आज थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लहिरू कुमारा एक डिफरेंट चॉइस, आर्यन दत्ता, ये जो 3 से 4 चॉइसेस दिख रही हैं ये एकदम डिफरेंट चॉइसेस बन रही हैं, स्मॉल लीग में ओपोनेंट तो इनके साथ नहीं आएगा। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया ये फिक्स प्लेयर्स हैं और इन प्लेयर्स के साथ आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो, कमेंट्स में बताना। बाकी अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है और अगर कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम। चलिए दोस्तों अब हम टीम के बारे में बात कर लेते हैं, उसके पहले जो भी मेरा दोस्त अभी तक मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुआ तो टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। और इस मैच के अंदर भाई जो कंडीशन है ना उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेयर्स का भी रोटेशन करना पड़ेगा, जिस टीम की फर्स्ट बॉल आ रही है वहाँ से थोड़े से ज़्यादा बॉलर्स हम रख सकते हैं, तो जो अपडेटेड टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी स्मॉल लीग किस ऐप में खेलना चाहिए, स्मॉल लीग में मेरा इन्वेस्टमेंट होता है कुबेरा के अंदर, जहाँ पे 3 बैट्समैन 3 बॉलर्स इन्हें कंपलसरी होते हैं, विनिंग के चांसेस थोड़े हाई होते हैं, इसलिए स्मॉल लीग हम कुबेरा में खेलते हैं। ग्रैंड लीग अगर आपको खेलना है तो ड्रीम 11 में खेलें, ज़्यादा बड़ा अमाउंट आप विन कर सकते हैं, तो कुबेरा पे अगर आप खेलना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, 100 रुपीज़ साइनअप बोनस आपको मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, मैंडिस ऑब्वियसली चॉइस रहेंगे, स्मॉल लीग में भी मैं जा रहा हूँ लगभग, स्मॉल लीग में तो हम हर कंडीशन में जाएंगे, ग्रैंड लीग में भी ज़्यादातर टीम्स में आप मैंडिस के साथ जाना। स्कॉट एडवर्ड्स भी अच्छी टीम अच्छे प्लेयर हैं, इनकी टीम के सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं और पिछले कुछ टाइम देखा गया कि भाई भरोसेमंद भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लगातार स्कोर करते हुए आ रहे हैं, तो ग्रैंड लीग की टीम या स्मॉल लीग में भी आप 2 विकेट कीपर को रखना चाह रहे हैं तो एडवर्ड्स को भी आप रख सकते हैं।
समर विक्रमा, मैं आज थोड़ा सा ट्रस्ट दिखा रहा हूँ समर विक्रमा के साथ जा रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट बैट श्रीलंका की आ रही है तो जा रहा हूँ, अगर चेजिंग आ रही है तो फिर मैं दूसरे प्लेयर्स के साथ जाना चाहूँगा जिनके पास थोड़ा सा ज़्यादा मौका हो। चेजिंग में थोड़ा सा कम मौका रहेगा, अगर नीदरलैंड ने ज़्यादा ही लो स्कोर बनाया तो फिर शायद उतनी बैटिंग का मौका ना मिले। बाकी बैटिंग सेक्शन से बात करें, निशंका हमारी टीम के अंदर है, इसके अलावा मैक्स आउट नहीं है अच्छी चॉइस। असलंका के साथ भी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचा है और बॉलिंग तो मिलने के चांसेस कम ही है। कुशल परेरा को काफ़ी सारे लोग रख रहे हैं, अगर आपको रख रहे हैं तो रख लो, सिर्फ लास्ट मैच में अच्छा किया, उसके पहले फॉर्म ख़राब है, तो आज मैं समझ रहा हूँ फिर से जल्दी विकेट खो सकते हो। नीदरलैंड की बॉलिंग ठीक ठाक तरीके से स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करें वी सिंह को रख सकते हो, जहाँ 7-4 वाला कॉम्बिनेशन है जैसे कुबेरा में हम खेलेंगे तो वहाँ पर फिर हम वी सिंह के साथ जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें, लीडे हमारी टीम में, अकरमैन हमारी टीम में और बेला लागे के साथ में जा रहा हूँ। इसके अलावा धनंजय डिसिल्वा को ग्राइंडिंग में जरूर ट्राई करना, लगातार फेल हो रहा है, आज हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ आपको करके दे, तो ग्राइंडिंग में जरूर रखो, स्मॉल लीग में मैं थोड़ा सा नहीं जा पा रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों हम बात करें, बॉलिंग सेक्शन से तीक्ष्णा मेरी टीम के अंदर है, वैनवीक मेरी टीम के अंदर रहेंगे, मिकेरन के साथ मैं जा रहा हूँ और मधुशंका, ये जो चार चॉइसेस फिलहाल मैंने सेलेक्ट करके रखी हैं चारों के साथ मैं जाऊँगा। इसके अलावा अगर फर्स्ट बॉल आ रही है आयरलैंड की तो फिर आप रख सकते हैं आर्यन दत्त को, और सॉरी नीदरलैंड की फर्स्ट बॉल आ रही है तो आर्यन दत्त को रख सकते हो, और लहिरू कुमारा अगर श्रीलंका की फर्स्ट बॉल आ रही है तो, इसलिए कंडीशन के ऊपर काफ़ी भी ज़्यादा हम डिपेंड हो रहे हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं। माव आज मुझे उतनी बेहतर चॉइस नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि श्रीलंका तो अच्छा खेलता है स्पिनर, नो डाउट पिछले मैच में गलतियाँ बहुत ज़्यादा की हैं, तो जैम्पा तक चार विकेट ले गए जबकि स्पिनर्स को अच्छा श्रीलंका खेलती है जनरली, लेकिन लास्ट मैच में काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं, आज अगर गलती कर रहे हैं तो ही मव को ज़्यादा विकेट्स मिलेंगे। बाकी अगर आपको जाना है तो मव के साथ भी जा सकते हो, फर्स्ट बॉल आ रही है तो ज़्यादा बेहतर चॉइस होंगे, उस कंडीशन में आप जा सकते हैं। फिलहाल मैं मधुशंका, मिकेरन, वैनवीक और तीक्ष्णा के साथ जा रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने किसे किया है, नीडे मेरी टीम के कैप्टन है और मैंडिस को मैंने अपनी टीम का वाइस कैप्टन बनाया है। बाकी चॉइसेस मैं आपको बता देता हूँ, मधुशंका को फर्स्ट बॉल में रख सकते हो, काफ़ी बढ़िया बॉलिंग इनकी चल रही है। इसके अलावा आप अगर एकदम डिफरेंट जाना चाहते हैं, एकदम डिफरेंट करना चाहते हो तो वेला लागे भी आज थोड़ी सी ठीक चॉइस बन रहे हैं क्योंकि नीदरलैंड स्पिनर्स पे फंसता है और स्पिनर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है, तो आज के मैच में हो सकता है वेला लागे थोड़े से ज़्यादा विकेट्स ले जाए, तो ग्राइंडिंग में ज़रूर ट्राई करना। इस तरीके की दोस्तों कुछ हमारी टीम बन रही है, बाकी जो फाइनल टीम है आपको पता है टेलीग्राम पे आपको मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से, या कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।